करते हैं या फिर मूव आउट करते हैं, लेकिन आपको एक दफ़ा स्केड्यूल अगर बता दिया जाए कि ये सारे मैचेस या बैटल के जो के चल रहे हैं पोर्टल, इट्स गोना बी टू डेज लाइक क्वालिफायर्स एंड टू डेज फाइनल के साथ साथ इस तरह रहने वाले हैं, एंड टू डेज स्केड्यूल लाइक क्वालिफायर्स टू डे फाइनल इस तरह से चलेंगे, लेकिन फाइट जीरो वापस मूव किया जाए, लुक एट दैट, उज़म के पास से वो जंप करके जाते हैं, उज़म वहां पर से फायर नहीं दे पाते, और एट द सेम टाइम उज़म को वहां पर से क्लाउन बीओई की तरफ से जहां पर नॉक किया जाता है, फिनिश भी कर देंगे, रिटायर और ब्लेड इज गोना बी द टीम द फाइनल होप, टीम्स ऑल एक्साइटेड, हमें इस वक्त थोड़े से मुश्किलात में घिरी हुई नजर आ रही है, बिकॉज एज सून एज द गोस्ट इज डाउन ब्लेड बचाने की कोशिश जरूर करेंगे, लेकिन टीम इज आर दे गोना लाइक बी एबल टू सेव देम, क्या टीम HYPE जो कि है हाइप की जो कि टीम है, टीम जहां पर खेल रही है, आर दे गोना डू दैट, क्यू ओह नो, टीम रहती है ब्लेड को आग लग गई, व्हाट जस्ट हैपेंड ओवर देयर, यूएमपी विद 35 गोलियां, नेड आता है पहले ही उससे नॉक कर दिया जाएगा, एंड आखिरी प्लेयर रिटायर्ड को भी यहां पर से डैमेज जरूर लगेगा, क्लाउन कोशिश कर रहे हैं यहां पर से एलिमिनेट करने की, लेकिन रिटायर्ड यूएमपी की कोशिश जो की है इसी गोना गेट दैट नॉक, कोशिश पूरी पूरी चल रही है, नॉक भी यस निकाल लेंगे, एक नॉक निकल जाता है जहां पर से किल पूरा सिक्योर करेंगे, लुक एट दिस एचपी पोर्टल, बिल्कुल एक एचपी के यहां पर से रिटायर रहने वाले, रोमियो कंसिस्टेंटली यहां पर से फायर दे रहे हैं, क्लाउन यहां पर से एग्रेस करने के लिए आ रहे हैं, क्या क्लाउन गिराया जाता है यहां पर से, नो ही वाज नॉट एबल टू गेट हिम डाउन, एंड देयर वी हैव इट, टीम असॉल्ट एक्साइट लॉबी की तरफ रवाना होते हुए नजर आ जाती है, और पहली वो टीम रहेगी जो कि इस मैच के अंदर एलिमिनेट होती है, बिल्कुल बदकिस्मती हम जरूर यहाँ पे कह सकते हैं कि समहाउ टीम आईएट की इस मैच में जरूर रह जाती है, और अर्ली स्टेज ऑफ द गेम ही टीम आईएट हमें इस मैच से एलिमिनेट होते हुए दिखाई दे जाएगी, लेकिन ऑन द अदर साइड अगर हम टीम कुरैश ईस्पोर्ट्स की बात करें तो इस एंड पे जरूर देखना पड़ेगा कि किल्स किसके नाम है, बिकॉज मानी की बात की जाए इनके पास कोई किल नहीं है, रोमियो वाइटी के पास कोई किल नहीं है, सो सम आई थिंक क्लाउन के पास ये किल जरूर गए, एंड ही हैज गॉट ऑल ऑफ देम, चारों के चारों किल्स हाइप क्लाउन बीओई के पास यहाँ पर रह जाएंगे, सो टीम आईएट के अगेंस्ट फाइट में यकीनन इनका क्लच जरूर यहां पे हो जाता है, और मैच की शुरुआत करते हुए टीम क्रैश ईस्पोर्ट्स में अच्छे तरीके से जरूर जब आगे बढ़ते हुए दिखाई दे जाएगी।